हेलो फ्रेंड, ये है हमारा एच सी एल का पुराना सी पी यू। आज हम बताएंगे कि इसमें पेन ड्राइव के द्वारा कैसे विंडो ढुलती है। ये देखिए, जैसे मैंने हम ये ऑन किया तो इस पे आ गया F1 टू कंटिन्यू, डेल टू इंटर सेटअप। अब हम DEL दबाएंगे। इसको दबाने के बाद इस तरह का ऑप्शन आएगा। फिर हम एडवांस वॉइस फीचर में जाएंगे। यहाँ पर बूट पे जाएंगे, हार्ड डिस्क की रहने देंगे, बूट प्रायोरिटी में जाएंगे। यहाँ पर हम सैंड डिस्क करेंगे। इसको टॉप पे लाना है तो हम प्लस करके इसे टॉप पे ले आएंगे। ये देखिए, मैंने सैंड डिस्क ऊपर ले आया हूँ। अब यहाँ पर लिखा है F10 टू सेव सेटिंग। हमने F10 दबाना है, बाई प्रेस करना है और इंटर दबाना है। ये देखिए, अब दोबारा से कर रहा है। अब ये ऑप्शन आ रहा है, फिर हम F1 प्रेस करेंगे। इसके बाद इस तरह आएगा, प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम USB। कुछ भी दबा देना है कीबोर्ड का। अब ये बूट उठा रहा है। अब देखिए, विंडो लोडिंग ले रही है। इसके लिए कुछ प्रोसेस चलेगा, टाइम लगेगा, इसलिए मैं वीडियो में थोड़ा रोक रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, अब हमारी विंडो जो है लोड ले रही है। अब बूट के लिए ऑप्शन आएगा। हमारी विंडो सेम का सेटअप आ चुका है। सेम ऐसे ही देंगे, नेक्स्ट करेंगे, उसका ऑन ऑफ ओके करेंगे। सेट टू स्टार्ट हो रहा है हमारा। अब यहाँ पर टिक लगाना है, एक्सेप्ट पर नेक्स्ट करना है। आपको नीचे वाला ऑप्शन यूज करना है। यहाँ पर देखिए, दो पार्ट पूरा हो जाए। नेक्स्ट पे जाना है। अब ये प्रोसेस भी चलता रहेगा अंडर तक, जब तक ये क्लियर होता है मैं अपना वीडियो रोक रहा हूँ। इंस्टॉलेशन होने के बाद हमारा PC रिस्टार्ट मारेगा। अब हम नेक्स्ट प्रेस करेंगे। देखिए फ्रेंड, विंडो इंस्टॉल हो चुकी है। अभी यहाँ पर केवल रिसाइकल भी नहीं आ रहा है। अब हमें यहाँ पर माई कंप्यूटर वगैरह लगाना है। तो यहाँ पर पर्सनलाइज में जाइए, यहाँ पर जाइए चेंज डेस्कटॉप इक्विपमेंट, यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए जो आपको चाहिए, अप्लाई कीजिए और ओके कीजिए। ये देखिए आज चेंज फोल्डर, इसको छोटा करना है तो यहाँ पर वी कीजिए, यहाँ पर स्मॉल इक्विपमेंट कर लीजिए, ये छोटा होगा।